हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जामा मस्जिद में दावते इस्लामी की ओर से आज रविवार को सुबह पुरुषों का इज्तिमा का आयोजन किया गया, जिसमें उदयपुर से आए उलमा किराम ने अपनी नूरानी तकरीर पेश की। तकरीर में कहा कि माँ बाप की खिदमत करें, उनकी नाफरमानी ना करें, माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, वही पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करें, वही सुनातों पर अमल कर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का जिक्र किया गया। इस दौरान जामा मस्जिद में काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग मौजूद रहे। लड़की प्लस उसकी पूरी फैमिली का दिल डूबने लगा, कब यकीनन चेचक हो गया है, रिश्ता टूट जाएगा, इसको से कौन शादी करेगा, इसको कौन निभाएगा। उनके दिल में पूरी फैमिली के तरह तरह के सवाल प्यारे साहब भी आने लगे। जब ये बात उस शख्स के पास पहुंची जिससे इसकी मंगनी हो चुकी थी, जिससे इस लड़की की सगाई हो चुकी थी, जब उसके पास ये बात पहुंची, वो उस वक्त का वो दौर था, कैसा दौर होगा आप अंदाजा लगाइए, कि उस शख्स के पास जब ये बात पहुंची कि मेरी जिसे सगाई हुई है, वो चेचक के दाग वाले चेचक के दाने उस पर आ गए हैं और उसे चेचक की बीमारी हो गई है। इन्होंने अपने आप को अंधा जाहिर कर दिया। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।